मैडम थोड़ा अंदर वो इस महत्वपूर्ण योजना के शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि अभी आपको विधायक महोदय ने विस्तृत रूप से क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में, सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। सिरोही जिले का मुझ से जवाबदारी मिली है, जिम्मेदारी मिली है, हम आपके बीच में लगातार आ रहे हैं। सरकार की योजनाएं जो है उसको लगातार आपके बीच में ला रहे हैं। ये आज की जो योजना है, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे और लोग भी, अन्य सभी लोग, शहरी लोग भी विराजमान हैं। यूपीए की सरकार थी देश में, मनमोहन सिंह जी की, उस वक्त जो नरेगा की योजना, मनरेगा योजना जो प्रारंभ हुई थी, वो योजना प्रारंभ हुई थी गांव के लिए, गांव के लोगों को किस प्रकार से रोजगार मिल सके, गांव के लोगों का किस प्रकार पैन रुक सके, और गांव में लोग जो बाहर चले जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे, वो किस प्रकार सुबह अपना रोजगार करके शाम को अपने घर पे आ सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, चाहे नाडी खुदाई के माध्यम से हो, चाहे अन्य हमारी योजनाओं के माध्यम से हो, लोगों को एक मजदूरी मिलने लग गई। और पूरे देश के अंदर ये योजना प्रसिद्धि नहीं हुई, बल्कि आज भी हर गांव का व्यक्ति, हर ग्रामीण व्यक्ति, शहर में रहने वाले लोगों को रोजगार का सरकार ने अधिकार दिया। जब कोरोना आया था, काम बंद थे, लंबे समय तक लॉकडाउन था, हजारों की तादाद में प्रवासी भाई जो बाहर रहते हैं वो भी आए थे। मैंने प्रधानमंत्री जी को बार बार चिट्ठी लिखी कि अमेरिका में कोरोना से लोगों को ये सहायता मिली है। शहरी क्षेत्र में शिवगंज बहुत बड़ी मंडी है, कपड़े की जो बड़ी दुकान थी जहाँ 15 आदमी काम करते थे, घटा करके 7 कर, तो सैकड़ों लोग अपने रोजगार से वंचित हो। उनको पत्र पर पत्र लिखे कि शहरी क्षेत्र में भी रोजगार गारंटी की तर्ज पर योजना शुरू करें। ओम बिरला साहब मेरे साथ लोकसभा के अध्यक्ष विधायक रहे हैं, उनसे मैंने व्यक्तिगत बात की कि आप प्रधानमंत्री जी के नज़दीक हैं, उनसे विनती करो, लोगों की स्थिति ठीक करने के लिए करना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत व्यक्तिगत अनुभव हुआ जब जावाल ग्राम पंचायत को मैंने नगर पालिका में बदला। 1500 लोग नरेगा में जाते थे, उनका वो रोजगार नगर पालिका होने से बंद हो गया। उन सब ने मुझसे कहा कि क्या करें, हमने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया कि समाज के कमजोर तबके के लोगों की जो स्थितियां गड़बड़ाई है, चाहे वो नोटबंदी के कारण हो, चाहे कोरोना के कारण हो, उसमें शासन का साथ खड़े रहना जरूरी है। और आज मैं हृदय के अंतर तल से अशोक गहलोत साहब को सल्यूट करता हूँ।
कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और इसको शुरू। कोई विकास में कमी नहीं है, जिस तरफ जाएंगे आप विकास, ये सड़क जो आप सामने देख रहे हैं, 6 महीने के अंदर बीच में डिवाइडर लग करके आपको चौड़ी मिलेगी। अनादरा चौराहे से आप जो सड़क देख रहे हैं विजय पताका वाली, हमने टेंडर कर दिया, उसका वर्क ऑर्डर हो गया। मैं एक बात बताओ कि बरसात आवे तो सड़क रो कौन की कर चालू वे सड़क बनावे तो बड़े खाड़ा पड़ी, बरसात रहने डॉमर रहे तो आप नेबड़ा वाली बात। तो ये भी ठीक हो, टाउन हॉल बन रहा है आपका गोली चौराहे पे, देखा होगा सोमरा जावान को ये जागा है हवल के हाँ टापरान कड़ी फरामेल लावो नहीं है, 2 करोड़ रुपया मंजूर कराई है मैं कालका जी ने वास्ते, मैं कालका जी मेरी जगह थोड़ा बना लें दो सोमरा टाबर के मोहन पटेल ले जाओ, उसका भी टेंडर होने। और मैंने सभापति जी को कहा है ये ध्यान नहीं देते, ये मेरा दुर्भाग्य। शिवगंज में मैंने नेहरू गार्डन में बच्चों छोटे बच्चे हैं उनके घूमने के लिए टॉय ट्रेन लगाई, एक पूल बनाया स्विमिंग जिसमें बच्चे नाव चलाते हैं। मैंने इनको कह दिया पिछली बार जब नगर पालिका के मीटिंग में था कि पैसे मेरे कोटे से दूंगा लेकिन सिरोही के बच्चों के लिए ये सुविधा आप विकसित करो। अब नए कमिश्नर आ गए, उनको कहता हूँ कि प्रस्ताव बना के लाओ जिससे छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए और यह सुविधा विकसित करें। इस मौके पर आपको यही भरोसा दिलाना चाहते हैं कि और भी जो काम आपने सोचे हुए वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। और महेंद्र चौधरी साहब ने आज इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, अशोक गहलोत साहब ने हम सबको सौगात दी, मैं हृदय के अंतर तल से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।